So very good evening to everyone. So we'll be talking about citizenship only. क्या है ये citizenship? और ये मतलब जो आप देख रहे हैं हो रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता, सब जानते हैं. बट माई पॉइंट इज कि सिटीज़न कोई किसी देश का है या नहीं, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा. मैं तो इस बारे में चर्चा करूँगा. देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं आपके विज़न को ब्रॉड करना चाहता हूँ इसको, इस वीडियो के माध्यम से. मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और ब्रॉडर देखें और सोचें इस बारे में कि क्या वास्तव में आप कोई सिटीज़न हैं किसी कंट्री के. आप अपने विज़न को ब्रॉड करिए. आइए पहले अमेरिका से बात शुरू करते हैं. अमेरिका में आपको आज की डेट पे अगर वहाँ की नागरिकता चाहिए तो इतने पचड़े हैं कि आप अमेरिका के नागरिक बन ही नहीं सकते किसी और कंट्री से. इतने आसानी से बन सकते हैं लेकिन देर आर प्रोसेसेस. आप वहाँ पढ़ने जाते हैं, उसका अलग वीज़ा है, उसका अलग वीज़ा है, ग्रीन कार्ड होल्डर होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए. आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा इतनी जल्दी. ठीक है, अमेरिका वाले सोच रहे हैं कि वो बहुत मतलब महान देश हैं तो हमारे यहाँ अमेरिकन ड्रीम होता है, तो हमारे पास पैसे हैं तो हम अमेरिकन ड्रीम के लिए रूल्स बढ़ाते जाएँ. हम मेक्सिको से दीवार बना देंगे और बना ही रहे हैं, वो एक दीवार टाइप की मेक्सिको से बना रहे हैं. और इधर से वो सोच रहे हैं कि अब तो उन्होंने शायद ये भी कर दिया है कि दे हैव डन इट कि अगर वहाँ कोई पैदा भी हो रहा है तो भी वो उसको नागरिकता नहीं दे रहे हैं. दे आर नॉट गिविंग द सिटीजनशिप कि पैदा होने से नागरिकता नहीं मिलेगी. ओके, ये पता नहीं उसके क्या क्या नियम है. खैर, मैं उस मुझे तो अमेरिका जाना है नहीं, ना शायद मैं जा पाऊँगा. अमेरिका वाले मुझे नागरिकता दे देंगे वैसे, मुझे लगता है. खैर, है नहीं आप. द पॉइंट इज, अब इसको आप थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचिए. आज जो अमेरिका में रह रहे हैं लोग, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं? जब वो पहली बार अमेरिका का खोज किया गया था 1400 समथिंग में, ठीक है, तो कोलंबस जब पहुंचे होंगे साहब, तो वहाँ कौन रहते थे? तो वो ओरिजिनल वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो थे, दे वर कॉल्ड इज रेड इंडियंस. ओके, तो वो जो इंडियंस थे वहाँ पर, जिनको कहा जाता था, वो खोजने तो कुछ निकला था और वो खोज कुछ आया, ठीक है, वो खोजने इंडिया को निकला था, वो पहुँच गया अमेरिका. सो दैट्स वाई ही कॉल्ड देम एज इंडियंस. तो वो जो ओरिजिनल जो आदिवासी थे वहाँ के, वो कहाँ गए? वो हैं ओरिजिनल सिटीजन्स वहाँ के, उन सबको तो इन्होंने भगा दिया. यूरोप से सारे के सारे लोग माइग्रेट करके पैसा कमाने के लिए अमेरिका पहुँच गए, ठीक है, 16 सेंचुरी में यही हुआ. और जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे उनको मार के भगा दिया, उनको मार दिया या भगा दिया या बीमारी उन्होंने खा लिया. तो कोई भी आज की डेट पे जो आदमी रह रहा है वो अमेरिका का नेटिव नहीं है, सिटीजन ओरिजिनल नहीं है. कुछ अफ्रीका से उठा के आ गए, अफ्रीकन से आ गए तो अफ्रीकन हो गए, अफ्रीकन अमेरिकन कहलाए. तो किसी भी कंट्री में वर्ल्ड की वहाँ के ओरिजिनल नेटिव हैं ही नहीं, या बहुत कम मात्रा में है, या बहुत ही सीमित है, बचे ही नहीं, क्योंकि वो सब आदिवासी थे तो कोई बचता ही नहीं है. एज ही इतनी लिमिटेड है, तो करोगे क्या? तो तुम अगर ये कह रहे हो कि तुम इस किसी भी, ये अपने देश की बात नहीं कर रहा, तुम किसी भी देश के नागरिक हो, ये कहना एक बेवकूफ़ी है. आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बिकॉज यू आर देयर फॉर अ ट्रांजिएंट पीरियड. यू विजिटेड अ प्लेस, यू आर बॉर्न इन दैट प्लेस, जो कि आपके हाथ में नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ, ठीक है. तो आपको लगने लगता है कि हाँ जी, ये मेरा ही देश है. ये गलत फहमी हो गई है आपको, मैं आपको बताता हूँ. जबकि देश किसी का नहीं होता है, लैंड ऐसी की ऐसी रहती है, उसके नाम भी बदलते रहते हैं. अब ये भारत भूमि को अगर हम बात करेंगे तो भारत भूमि का प्राचीन काल में नाम दूसरा था, और भारत भूमि का एक्सपेंशन था वो पूरे वर्ल्ड में था. अगर आप दुर्गा सप्तशती उठाएँ और उसको देखें तो उसमें राजा सूरत का जो राज्य था वो पूरे पृथ्वी में फैला हुआ था, धीरे धीरे करके वो सिमट गया. सो द पॉइंट इज, अब वो कहेंगे भाई हमारा राज्य तो सिमट रहा है, हमारे राज्य के नागरिक ये नहीं है क्या? सो द पॉइंट इज, जब आप इस तरीके से इसको सोचोगे और विचारोगे तो आप पाओगे, अब इंडिया का ही है तो इंडिया में भी तो इतने सारे लोग माइग्रेट होके आए, तो जो ओरिजिनल इंडियंस तो पता नहीं कौन है. अब वो कहते हैं कि आर्यंस दे हैव ऑल्सो माइग्रेटेड, तो आर्यंस को खोजो. वो कहते हैं कि यूरोप से माइग्रेट हुए, कोई कहते सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए. तो कौन ओरिजिनल है? हु इज ओरिजिनल? हु इज़ द ओरिजिनल सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री? हु इज़ द ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया? नोबडी. We all are migrants from some XYZ place.
बिकॉज अब वो जो पहले आदिमानव हुआ, पहले बंदर हुआ, बंदर से फिर वो बने, बंदर से होमोसेपियंस आए, होमोसेपियंस से फिर कुछ बने, फिर होमो इरेक्टस इरेक्टस, फिर ये वो दुनिया भर के। सो द पॉइंट इज, अब इतनी सारी प्रजातियां हैं तो ये हैं ओरिजिनल ट्राइब्स या ओरिजिनल आदिवासी से। और चिंपैंजी ओरिजिनल है तो चिंपैंजी को सिटीजनशिप दे देनी चाहिए हर जगह की, सिटीज जहाँ भी है ना चिंपैंजीज, वो सबसे पुराने वही हैं, उन्हीं को दे देनी चाहिए उस कंट्री की सिटीजनशिप। सो द पॉइंट इज, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी प्लेस और कंट्री, यू आर हेयर मियर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक एंड स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स दैट आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, यू नो। कृष्णा अर्जुन से यही कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा जन्म कई कई बार हो चुका है, बट ना तुम्हें कुछ याद है ना तुम्हें कुछ याद है। आज तुम यहाँ पैदा हो, कल अफ्रीका में पैदा होगे, वर्षों को यूरोप में पैदा होगे, नरसों को कहीं और पैदा होगे, अगर इस पृथ्वी में पैदा होगे, परसों को मच्छर बनोगे, तरसों को गाय बनोगे, परसों को भैंस बन जाओगे, कहीं को कुछ बन जाओगे। सो द पॉइंट इज, इट इज़ अ मिक्सचर यार। सो द पॉइंट इज, इंडियंस, अब इंडिया में फिर से आओ तो इंडिया का, अब जो भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, दे आर द सिटीजन्स। अगर वो वहाँ पैदा हुए हैं, बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो ऐसा माना जाए, क्योंकि एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। अब हम इस तरीके से सोच के काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो माइग्रेशन हुए वो कहाँ से हुए, अफ्रीका से हुए। इंडिया में जो पहले इंडियंस, तो ओरिजिनल इंडियंस थे, वो अफ्रीकन से, अफ्रीका से ही आए हुए थे, ठीक है। तो अब उनको खोजिए, आप उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं। या वो थे, वो ईरान से आए, ठीक है, वो सेंट्रल यूरोप से माइग्रेट हो गया है। तो अब ओरिजिनल इंडियन कौन है, इसकी खोज कौन कर पाएगा, हु कैन डू दिस। सो द पॉइंट इज, इन दीज, ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं इस मामले में जब भी होती हैं कि ये हमारा देश है, ये आज हमारे देश की बात नहीं है, ये सब बहुत छोटी मोटी चीज़ें, ये सब होती रहती हैं। अगर आप इसको पूरे होलिस्टिक व्यू में, पूरे वर्ल्ड में देखोगे ना, तो वो हर चीज़ में अपने एरिए के लिए फ़ाइट और अपने उसके लिए फ़ाइट, ये एक हर एक जना करता है। ये हर एक जीव का एक एरिया होता है। लॉयंस भी ऐसा ही करते हैं, डॉग्स भी ऐसा करते हैं कि ये हमारा एरिया, इसमें हमारे पॉपुलेशन रहेगी, इसमें मेरी सत्ता चलेगी। तो द पॉइंट इज, ये सब चीज़ें बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक आप हैं इस प्लेस पे तभी तक आपको परेशान करती हैं। बिकॉज ये ही एक गेम है कि आपके माइंड में ये भर दिया गया है कि ये आप ये हैं, या आप यहाँ के सिटीजन हैं, या आपका है ये देश या ये ज़मीन। ऑल दो ये ज़मीन कभी किसी की होती ही नहीं है, आप भी जानते ही हैं, हम खाली आते हैं और ड्रामा करके चले जाते हैं, ठीक है। सो मेरा तो यही कहना है कि सिटीजनशिप, हूसोएवर इज़ लिविंग फ्रॉम फ्रॉम यू नो फॉर मोर देन 10-20 ईयर्स, ही शुड बी गिव, ही इज़ अ सिटीजन आउट हेयर, ओके। एंड आई होप देयर इज़ नो पॉइंट इन यू नो एनी फाइट्स और एनीथिंग लाइक दिस, ओके, इन एनी फॉर्म, यू नो, बीट एनी फॉर्म, इट शुड बी अवॉइडेड एंड प्रोहिबिटेड, बिकॉज it's a such a small time, you know, time is being given to us, and if we are going to fight for these issues, you know, the whole life is going to spend, you know, it will become a waste, okay. So the point is, and everybody, whosoever it is, you know, has some or the other, you know, अपना ही कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है किसी किसी चीज़ को करने के पीछे। कोई आदमी ऐसा नहीं होता है, okay. So the best is, you are where you are living, you are a citizen, that is all, and you enjoy the place. अब अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है आपके सामने, ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई भयंकर, अभी अभी जैसे हम एक जगह है कोई, मैं इसको, आप इसको समझिए, मान लीजिए हम लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, लखनऊ का कुछ इलाका, जैसे इधर का इलाका है जहाँ मैं रहता हूँ आईएम की तरफ, ये पहले जंगल था या कोई आता ही नहीं था। जंगल क्या है, लखनऊ 1990s तक महानगर के आगे अलीगंज में भी कोई नहीं रहता था, ठीक है, वो जंगल था, तो लोग डरते थे। आज ये यहाँ तक इतना एक्सपैंड कर गया है तो इसकी कीमत बढ़ गई, लोगों ने कहा हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो रहो, इसमें पैसे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो द पॉइंट इज, ये सब चीज़ें भी कंटेम्प्रेरी है। मान लो एक बीमारी फैल जाए, ठीक है, एक वायरस आ जाए, क्या ये वाली बीमारी हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया, एक्स वाई जेड कोई बहुत डेंजरस बीमारी आ गई, कोई नई बीमारी पैदा हो गई, सब भाग जाओगे, सारी प्रॉपर्टी ऐसी रखी रह जाएगी, क्या मैं नहीं जा रहा उस देश में, वहाँ ये बीमारी है। एक बार बीमारी फैलती है, निपाह वायरस फैला है या कोई, जहाँ पर कोई भी वायरस फैलता है, क्या होता है, हम उस स्टेट में नहीं जाएंगे वहाँ पर ये हो रहा है, तुरंत कहते हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि जान सबसे प्यारी है। सो द पॉइंट इज, किसी जगह तो तब तो नहीं याद आता कि मैं उस जगह की आदमी हूँ, याद आता उस समय, अगर वहाँ रहने वाले हो गए भाग खड़े हो गए तुरंत, ओके, कहोगे नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा वहाँ, तो यार ये हो रहा है, वहाँ तो कुछ फैल रहा है बीमारी, पता नहीं कौन सी बीमारी, मैड काउ डिजीज़ मान लो फैल गया, ठीक है, कोई डिजीज़ फैल गया, तो तुरंत कहोगे ना ना आई एम नॉट गोइंग वहाँ, तो ये डिजीज़ तुरंत, उस समय तुम्हारी देशभक्ति खत्म हो जाएगी, तुम कहोगे नहीं नहीं जी मैं तो यहाँ मर जाऊँगा, ऐसा नहीं कोई कहेगा, सब कहे भागो यहाँ से, ये तो भयंकर बीमारी हो गई है, ओके। तो द पॉइंट इज, ये सब एक खाली ढकोसला है जो कि माया द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है, और इसमें अपने आप को मत उलझाओ।
स्वतंत्र रहो जहां भी रहो, क्योंकि क्योंकि कंडीशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। नेचर कभी भी ऐसी कंडीशन पैदा कर सकता है कि तुम्हें भागना पड़ सकता है, क्योंकि तुम नहीं फाइट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए नेचर ने एक कंडीशन पैदा की कि इंडिया का डिवीजन हुआ। अब ये इंडिया का डिवीजन होगा ये प्रारब्ध में लिखा था या ये किया गया है? ठीक है ना, ये प्रारब्ध में लिखा था कि ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ। तो उस समय कितने लोग माइग्रेट कर गए? ठीक है, वो अच्छा हुआ बुरा हुआ ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अच्छा तो खैर इसे किसी भी तरीके से नहीं कह सकते, ये बुरा ही हुआ था। सो द पॉइंट इज, ये चीज़ें हैं। तो अपने आप को किसी एक जगह का स्थायी नागरिक मान लेना ये एक बेवकूफ़ी है। और कोई भी चीज़ यहाँ पे इस इम्परमानेंट वर्ल्ड में नथिंग इज परमानेंट। सो हाउ कैन सिटीजनशिप कैन बी परमानेंट? ओके, थिंक अबाउट इट। थैंक यू।